हेलो एंड वेलकम टू ईडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं जो सवाल आप लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है NIOS और DLED की परीक्षा तिथि के बारे में, एग्जाम डेट्स ऑफ NIOS और DLED एग्जाम। सो क्या है इसमें सही जानकारी? आप लोग कई सवाल कर रहे हैं कि क्या परीक्षा तिथि फिक्स है, क्या बदल गई है। कई लोगों ने यहाँ तक की जानकारी दी है कि एग्जाम मई में होने वाले हैं, ऐसी जानकारियां भी निकल के आ रही हैं सामने। ये सब आप लोगों के द्वारा दी गई जानकारी से ही मैं समझ पा रहा हूं। तो इससे पता चल रहा है कि कितनी तरह की परेशानियां आप उठा रहे हैं गलत जानकारियों की वजह से। तो हम यहां पर क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली क्या स्थिति चल रही है और क्या है सही इंफॉर्मेशन। तो आप जान लें परीक्षा तिथि के बारे में कि क्या है अभी नया अपडेट। तो देखिए, अगर परीक्षा तिथि के नए अपडेट की बात करें तो फिलहाल कोई ऐसा नया अपडेट अगर हम बात करें तो नहीं दिया गया है NIOS के द्वारा। NIOS ने ऑफिशियली, किसी अधिकारी ने या किसी भी तरीके से इसकी जानकारी को नहीं बताया है कि NIOS की DLED की परीक्षा तिथि जो है वो वही है या बदल गई है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अब बात ये उठती है कि क्या जो बताई गई है वही फिक्स माने हम? तो देखिए, उसको आप फिक्स ही मानकर चलें, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखिए, अभी तक जो जानकारी है वो आपको दी गई है कहीं ना कहीं NIOS के चेयरमैन के द्वारा, तो जो सबसे सुप्रीम पोस्ट पर है वहां पर, और उनके मुंह से ये बात बताई गई है। उन्होंने खुद बताई है अपने लेक्चर में कि 27, 28 और 29 अप्रैल की डेट होंगी परीक्षाओं की, तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि इनमें बदलाव नहीं होगा। और इसके संबंध में कई लोग पूछते हैं कि NIOS का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई है जिसमें ये जानकारियां बताई गई हों। तो देखिए, कोई एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट तो इसका अवेलेबल नहीं है जो केवल इसके बारे में बताता हो कि ये रही NIOS DLED की फिक्स डेट, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लेटर जो सबसे ज्यादा आपने शायद देख भी लिया होगा कहीं किसी वीडियो में, कि ये जो लेटर है जिसको बताया जा रहा है कि इसके आधार पर हम मान के चलें कि 29 अप्रैल को ही परीक्षाएं होंगी। तो ये जो लेटर है NIOS की वेबसाइट पर इजीली उपलब्ध है, बिल्कुल आसानी से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो लेटर है ये कोई लेटेस्ट नहीं है। कई लोगों ने ऐसा बताया है कि नई जानकारी है ये, तो मैं बता देता हूँ ये कोई नई जानकारी नहीं है। ये आप डेट इस पर देखेंगे तो 19 मार्च 2017 को ये लेटर जारी किया गया था, और इसकी लिंक भी NIOS की वेबसाइट पर उपलब्ध थी, लेकिन उस पर क्लिक करने पर वो खुल नहीं रही थी, एरर आ रहा था उस पर बता नहीं रहा था, इसको डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब लेकिन यहाँ पर ये डाउनलोड हो पा रहा है, इसलिए कई लोग इसको कह रहे हैं कि नई जानकारी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई नई जानकारी नहीं है, बस जानकारी जो पुरानी ही है जिसको अब डाउनलोड करने लायक हो गई है, इसको अवेलेबल है। तो इसमें जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि जो आपकी डेट्स हैं DLED एग्जामिनेशन टेंटेटिव फिक्स्ड ऑन 27, 28, 29 अप्रैल, यानी कि 27, 28, 29 अप्रैल को टेंटेटिवली फिक्स हैं। तो बस यही है, और इसमें बाकी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। बाकी इसमें, इस लेटर में वो जानकारी है जो उन शिक्षकों के लिए जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं है, या फिर जो नए जिन्होंने वेरिफिकेशन कराया था उसके बारे में जानकारी थी कि वो अपनी अटेंडेंस पूरी करें और अपना आगे की प्रोसेस कर लें, फीस सबमिट कर लें। तो क्योंकि ये लेटर 19 तारीख का है और 23 मार्च तक फीस भरी गई है, तो उस समय की जानकारी है जो कि अब इतनी वैलिड नहीं है। PCP क्लासेस अटेंड कर ही रहे होंगे, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो समझ लें कि जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं है और जो नए टीचर्स हैं जिन्होंने वेरीफाइड कराया था लेट, वो अपनी सेकंड PCP क्लासेस चल रही होंगी 15 अप्रैल तक, उनको अटेंड कर लें, बहुत ज़रूरी है ये। और एग्जाम की डेट अगर इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मान के चलें, यही ये सबसे रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेगा, तो अभी यहाँ 27, 28 और 29 अप्रैल ही बताया गया है। लेकिन टेंटेटिव साथ में वर्ड हमेशा इस्तेमाल करता है कोई भी बोर्ड, यहाँ पर NIOS ने भी यही किया है, तो टेंटेटिवली तो हमेशा यही रहती है, संभावित एक तरह से। अगर चाहे तो NIOS बदल भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा कि उसका इतिहास रहा है अभी तक, कभी भी वो डेट आगे बढ़ा देता है किसी भी चीज़ की, तो ये सब उनके हाथ में है। लेकिन आप अभी यही मान के चलें कि ये डेट फिक्स रहेंगी, इसको लेकर ये ना करें कि अपनी तैयारी डिले कर दें, आप रेडी रहें क्योंकि यही आपके लिए बेहतर होगा, यही मेरा सजेशन है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इधर उधर से जो मिलती है उस पर प्लीज़ आप विश्वास ना करें। अगर कोई जानकारी होगी तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी वो ऑफिशियली, मैं भी आपको ज़रूर दूंगा और
NIOS की वेबसाइट पर आप जरूर चेक करते रहें और किसी तरह की कंफ्यूजन, किसी तरह की परेशानियों में ना आए, यही मेरा सजेशन है। आई होप इससे आपको काफी हेल्प होगी इस जानकारी से। तो प्लीज आप इसको शेयर कर दें जो लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, ताकि उनको हेल्प हो। लाइक जरूर कर दें वीडियो को और शेयर कर दें इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और जानकारी के लिए। घंटी के आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।